गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन वेलकम टू द इंग्लिश क्लास टूडे वी विल स्टडी आर सेकेंड चैप्टर दैट इज द विच इज पोर्शन रिटन बाय पेड्रो पेब्लो सेप्रिस्टन सो ऑल ऑफ यू टेक आउट पेज नंबर थर्टीन ऑफ योर बुक्स चिल्ड्रेन लुक एट दिस पिक्चर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं हेल्दी फूड की पिक्चर्स हैं और राइट साइड में Junk food key. In this chapter, the writer has given message to the children to have balanced diet. Balanced diet means santulet ahar and avoid junk food. Fruits, vegetables, milk, grains, pulses, they all come in balanced diet, or we can say healthy food, which makes you strong and give you energy. On the other side, if we eat junk food. You will become what? You will become lazy, and that will harm your health. So children, to remain healthy, we should eat fruits and vegetables daily. इस चैप्टर में राइटर ने हमें ये मैसेज दिया है कि बच्चों को एक संतुलित आहार लेना चाहिए बैलेंस डाइट जिसके अंदर फ्रूट्स आए, वेजिटेबल्स हों मिल्क हो, हो ग्रेन्स हों पल्सेज हों एंड उनको क्या अवॉइड करना चाहिए जंक फूड

daily afternoon routine with your class so we have to discuss what you you all do when you go home from your school in the afternoon in help box we are having six points first have lunch second talk with my family member third take some rest and sleep fourth watch television fifth finish my homework and last sixth play with my friends i feel you don't go and watch television in the afternoon. And you don't finish also your homework in the afternoon only. You take some rest and then do your homework in the evening. Sixth, you don't play with your friends in the afternoon. You play in the evening. So, fourth, fifth, and sixth points you don't do in the afternoon routine. First, second, and third that is have lunch. You go and take lunch. You talk to your family members. You discuss what you have done in the school and last third you take some rest and sleep so first second and third point you do in your afternoon routine children now i will read the chapter all of you concentrate in your books many many years ago everyone was strong and healthy bohut, bohut, स्ट्रोंग थे और हेल्दी दे एट अ बैलेंस डाइट वॉट इज बैलेंस डाइट अ डाइट विच हैज़ ऑल थिंग्स नेसेसरी फॉर अ गुड हेल्थ एक अच्छी हेल्थ के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी होती हैं फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रीन्स पल्सेस, मिल्क वो सभी ये सब चीज़ें अपने खाने में लिया करते थे एंड स्पेशली लव्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और उनको सबसे ज़्यादा क्या पसंद था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरी वन एक्सरसाइज डेली एंड दे इंजॉयड प्लेइंग एंड लीपिंग अबाउट सभी लोगों को एक्सरसाइज डेली करना पसंद था एंड दे यूज टू प्ले चिल्ड्रेन यूज टू प्ले एंड लीप लीप मीन्स जम्प इट मीन्स देवर ऑलवेज इन अ प्लेफुल मूड हमेशा उनको खेलना पसंद था क्योंकि देवर एक्टिव चिल्ड्रेन एट ओनली हेल्दी फूड छोटे बच्चे थे वो हमेशा हेल्दी फूड लिया करते थे इट वॉज क्लियर दैट बोथ अडल्ट एंड चिल्ड्रेन वर फुल ऑफ जॉय एंड ऑलवेज इन अ गुड मूड अडल्ट मीन्स बड़े लोग चिल्ड्रेन बच्चे लोग जो भी थे वो सब लोग ऑलवेज हमेशा कैसे मूड में रहते थे इन अ गुड मूड वाई बिकॉज दे वर हेल्दी दे यूज़ टू ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डेली ऑल दैट मेड द डार्क Which is furious? Which is? Who are विचेज़ विच इज़ आर वी कैन से हिंदी में कह सकते हैं डायन जो कि जिसके पास magical powers होती हैं वो किसी के साथ अच्छा भी कर सकती हैं और किसी के साथ बुरा भी कर सकती हैं जादुई शक्तियाँ हैं उनके उनके पास furious means very angry इसी जो विचेस थी यहाँ पे जो विचेज़ हैं वो गंदी विचेज हैं हमेशा वो गुस्से में रहती थी क्योंकि वो लोगों का बुरा करना चाहती थी.

उसने सोल्फीस ने सबको क्या सजेस्ट किया सबको क्या सुझाव दिया कि अगर सारी विचेज़ मिल जाएं तो उनकी एनर्जी से क्या बनेगा उनकी शक्तियों से क्या बन जाएगा पोशन पोशन मींस अ ड्रिंक दैट कंटेन पॉइजन एंड उससे क्या होगा दैट विल टेक पीपल्स डिज़ायर टू लिव हैप्पीली जो लोगों का जो डिज़ायर है जो उनकी इच्छा है खुशी से रहने की वो अगर वो पोर्शन वो लोग पी लेंगे तो उनका जो डिज़ायर है कुछ से रहने का वो ख़त्म हो जाएगा सो वन नाइट ऑल द विच गैदर्ड डाउन इन द स्वैम्पी फॉरेस्ट एंड वर्क टुगेदर ऑन दैट ई स्पेल गैदर्ड मतलब इकट्ठी हो गई सारे विचेज स्वैम्पी स्वैम्पी वॉट इज स्वैम्पी अ वेरी वेट लैंड वेयर प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो एक गीली जगह जहाँ पे प्लांट्स और ट्रीज उगती हैं तो वो एक ऐसा फॉरेस्ट था स्वैम्पी फॉरेस्ट वहाँ पे वो सारी विचेस गैदर हुई उस बुरे काम को करने के लिए द स्पेल वॉज सो पावरफुल एंड नीडेड सो मच एनर्जी टू कास्ट दैट वैन वन ऑफ द विचेज गॉट वन ऑफ द वर्ल्ड रोंग देअर वॉज एक्सप्लोजन वो लोग सारी विचेस जो एक बुरा काम कर रही थी उसके लिए उनको बहुत सारी शक्ति चाहिए थी उस बुरे काम को करने के लिए उस पोषण को बनाने के लिए जब वो ये काम कर रही थी गलती से बाय मिस्टेक एक विच से एक गलत शब्द निकला और उस गलत शब्द से सारा जो उनका काम था वो ब्लास्ट हो गया एक्सप्लोजन मतलब ब्लास्ट हो गया और इतना बड़ा ब्लास्ट था वो कि इट कम्प्लीट डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट

विच ले लॉस्ट इन द स्वैम्प। और क्या हुआ इट टर्न जितनी भी जो वो इतना बड़ा ब्लास्ट था वो कि जितनी भी जो इवेल विचेस थी वो उस ब्लास्ट के अंदर छोटे छोटे टीचर्स बन गईं कीटाणु जैसे कि हम कह सकते हैं जर्म्स बन गई एंड ट्रैप मतलब वो फंस गई किसके अंदर एक ग्रीन लिक्विड बॉटल थी ग्लास बॉटल जिसके अंदर ग्रीन लिक्विड था उसके अंदर वो फंस गई और वो बॉटल कहाँ खो गई उस स्वैम्प में स्वैम्प जो मैंने अभी पहले आपको बताया था एक ऐसी जगह गीली जगह जहाँ पे खूब सारी पेड़ पौधे उगते हैं देयर दे वर ट्राइव फॉर सेंचुरीज अंटिल वन डे अ लिटिल बॉय फाउंड द बॉटल वो कई सदियों तक उस ग्लास बॉटल में फंसी रही जब तक कि उसको एक छोटे बच्चे ने ढूंढ लिया थिंकिंग इट कंटेंट सम काइंड ऑफ जूस ही ड्रैंक्ड इट छोटे बच्चे ने क्या सोचा वो जो ग्रीन लिक्विड है वो क्या है कोई जूस है जूस समझ कर उसने उसको पी लिया द ईव लिटिल बिचेस टुक एडवांटेज ऑफ दिस जो इवन बिचेस थी उन्होंने क्या किया इसका एडवांटेज लिया एडवांटेज मतलब फ़ायदा लिया एंड इवन दो दे वर टाइनी एंड कूडेंट हर्ट एनी वन साइज में वो बहुत छोटी थी टाइनी होने के बावजूद भी और वो किसी इतनी छोटी थी कि वो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकती थी और उन्होंने क्या किया सून लर्न टू चेंज द लिटिल बॉयज लाइक्स एंड डिसलाइक्स इन ऑर्डर टू गेट हिम डू वॉट डू वॉट दे वॉन्टेड उन्होंने क्या किया उन्होंने बच्चे के अंदर एक चेंज ला दिया उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स के अंदर चेंजेस ला दिए अब पहले उसको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना पसंद था वो किस में आ गए अब उसकी डिसलाइक्स के अंदर वो यही चाहती थी और उन्होंने ये ये चीज़ कर ली इन अ फ्यू डेज अ स्ट्रेंज फीलिंग इन इज माउथ एंड टंग मेड द बॉय नो लॉन्गर वॉर्न टू ईट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अब कुछ दिनों बाद उस बच्चे को अपने मुंह के अंदर एक स्ट्रेंज फीलिंग होने लगी मुंह के अंदर और अपनी जीप के ऊपर अब उसको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था ऑल ही वॉन्टेड टू ईट बॉज आइसक्रीम पिज़्ज़ा बर्गर्स एंड कैंडी उसको सिर्फ क्या खाना पसंद आता था आइसक्रीम पिज़्ज़ा बर्गर्स एंड कैंडी देन अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑल ओवर इज बॉडी स्टॉप्ड हिम फ्रॉम प्लेइंग एंड रनिंग अबाउट विथ हिज फ्रेंड उसके बाद उसको एक और भी स्ट्रेंज फीलिंग हुई उसकी बॉडी में लेजीनेस आ गई और उसको अपने दोस्तों के साथ खेलना और दौड़ना पसंद नहीं था ऑल दैट टायर्ड हिम आउट वो कुछ भी करता वो थक जाता नाउ ही जस्ट वॉन्टेड टू स्टे इन द हाउस उसका क्या मन करता कि वो हमेशा अपने घर में ही रहे सिटिंग और लेइंग अराउंड बैठा रहे या लेटा रहे सो हिज लाइफ वॉट मोर एंड मोर बोरिंग उसकी लाइफ ज़्यादा से ज्यादा क्या हो गई बोरिंग हो गई नो इंटरेस्ट इन anything he was having no interest in anything he started feeling ill and before before long he had no desire to do anything ab wo kaisa feel karne laga bimar aur uske andar koi bhi desire नहीं होता था कुछ भी काम करने का desire मतलब उसकी कोई इच्छा नहीं होती थी कोई भी काम करने की the evil potion had worked and the worst thing of all was that

तो अभी हम दे सकते हैं कि हमारी कंट्री में कौन सा वायरस फैला हुआ वा है करोना वायरस और ये कैसा है इन्फेक्शस है जब हम किसी कॉन्टैक्ट में आते हैं किसी आदमी के तो वो वायरस हमें भी हमारे अंदर भी जम्प करके आ जाता है सेम वे ये ये वायरस इसमें भी इसी वायरस की बात हो रही है कि नाउ द वायरस हैज़ लर्न टू जम्प फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर दे मैनेज टू टर्न द इन्फ्लुएंस ऑफ द पोशन इनटू द मोस्ट कंटीज्यूअस ऑफ डिजीजेज़ द डिजीज ऑफ वेस्टिंग लाइफ इन्फ्लुएंस मतलब इफेक्ट उनका और कंटीजुअस मतलब समथिंग स्प्रेडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर उन्होंने ये मैनेज करना सीख लिया कि ये जो पोर्शन है ये कैसा हो गया है वेरी कंटीजुअस मोस्ट कंटीजुअस मतलब बहुत तेजी से ये लोगों के अंदर फैलने लगा और जो लोगों की जो इच्छा थी एक हैप्पी लाइफ जीने की वो डिज़ायर उनकी ख़त्म होने लगी एंड दिस डिज़ीज वॉज जस्ट वेस्टिंग द लाइफ लोगों की लाइफ वेस्ट करने लगा इट वॉज अ लॉन्ग वाइल बिफोर विद द हेल्प ऑफ हिज माइक्रोस्कोप डॉक्टर फिट हेल्दी डिस्कवर्ड दैट द लिटिल विच इज़ कॉजिंग दिस डिज़ीज अब ये डिजीज़ के बारे में किसने डिस्कवर किया डॉक्टर फिटोन हेल्दी ने अपने माइक्रोस्कोप से ये डिस्कवर किया कि ये सब जो डिजीज़ है ये कौन फैला रहा है इज देयर वॉज़ नो वैक्सीन और कॉफ़ सिरप टू गेट रिड ऑफ देम इस बीमारी के लिए जो विचेस फैला रही हैं कौन सी बीमारी है जंक फूड खाने की जो इच्छा है वो वो इसमें बीमारी बताई गई है उसकी कोई वैक्सीन नहीं है और उसका कोई कॉफ सिरप भी नहीं है बट

हेल्दी जॉयफुल एंड हैप्पी लाइफ हम इसका बेस्ट क्योर क्या निकाल सकते हैं इस बीमारी का कि हमको क्या करना है हमको एक हेल्दी लाइफ जीनी है हेल्दी लाइफ हम तभी जीएंगे जब हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे फ्रूट्स वेजीटेबल्स खाएंगे तो हम एक्टिव होंगे हम जॉयफुल रहेंगे और हमारी लाइफ कैसी होगी हैप्पी लाइफ वेन अ पर्सन बिकम्स हेल्दी द लिटल विच इज़ वुड लीव द पर्सन

ऑफ़ ईटिंग जंक फूड वो जो डिज़ायर होता है वो हमारी बॉडी से खत्म हो जाता है फ्रॉम देन ऑन द बेस्ट रेमेडी वॉज नॉट पिल्स और इंजेक्शंस पिल्स रेमेडी मीन्स यर सल्यूशन पिल्स मतलब दवाइयाँ नाउ जो बेस्ट रेमेडी है हेल्थी रहने के लिए इट्स नॉट पिल्स और इंजेक्शंस बट जस्ट आर लिटिल बिट ऑफ एफर्ट टू ईट सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड टू डू सम एक्सरसाइजेस अगर हमको हेल्दी रहना है तो हमको पिल्स और इंजेक्शंस नहीं लेने हैं हमको क्या करना है हमको सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने हैं साथ में हमको एक्सरसाइज भी करनी है एंड हु ऐवर केम टू सी डॉक्टर फिट हेल्दी एंड टुक हिज एडवाइस एंड इट अप परफेक्टली वेल जो भी डॉक्टर फिट हेल्दी के पास जाता उनकी एडवाइस लेने के लिए उनकी सलाह लेने के लिए वो परफेक्टली वेल well हो जाता वो क्या सलाह देते थे कि यू हैव टू ईट हेल्दी फूड बींग ऑफ़ द वेस्ट ऑफ लाइफ डिजीज और यहाँ पे वेस्ट ऑफ लाइफ मतलब जो जंक फूड जो खा के जो हमने हमारी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं हमारी लाइफ को हम वेस्ट कर रहे हैं वो उस चीज़ से उस चीज़ से वो क्योर हो जाते और दे स्टार्ट ईटिंग हेल्दी फूड हेल्दी फूड खाते ही हाउ दे इन दे बिकम दे बिकेम परफेक्टली वेल आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू इन दिस चैप्टर वॉट वी हैव लर्न वी हैव लर्न दैट चिल्ड्रेन शुड ईट हेल्दी फूड और diet. डाइट diet डाइट इन diet डाइट वी कैन से यू eat ईट वेजिटेबल्स फ्रूट्स grains and एंड यू शुड ड्रिंक मिल्क डेली एंड यू शुड अवॉइड you यू शुड अवॉइड जंक फूड लाइक burgers, ice आइसक्रीम्स कैंडीज आप लोगों को क्या करना है आप लोगों सब बच्चों को हेल्दी फूड खाना है जिससे आप हेल्दी रहेंगे हेल्दी रहेंगे तो यू विल स्टडी वेल आप पढ़ाई में आपका दिमाग अच्छा रहेगा आप एक्टिव रहेंगे सो ईट हेल्दी फूड एंड अवॉइड जंक फूड योर होमवर्क इज टू रीड द लेसन नाइसली एंड राइट ऑल द वर्ड मीनिंग्स इन योर नोटबुक्स इन ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग थैंक यू हैव अ नाइस डे